घंटा बढ़ाया गया। सभापति महोदय, बजट भाषण पे जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। दो तीन दिन से पक्ष विपक्ष द्वारा और निर्दलीय साथियों द्वारा इस बजट पे वाद विवाद हो रहा है। इस बजट में राजस्थान के मुखिया द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला, उसके लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से, हम सब की तरफ से माननीय अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथ ही लंबे समय में उस इलाके से डिमांड थी कि एक वहाँ पर कृषि प्रधान जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जाए, तो उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय खोला, उसके लिए भी धन्यवाद। और एक हमारी सबकी एक मांग थी, लंबे समय से उठी थी, कि इस राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के अलग से कानून बनाया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान पैटर्न जो लागू किया है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से कानून बनाने का जो प्रावधान किया है, उसके लिए मैं सदन की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन ये जो अलग से कानून बनाने की व्यवस्था हुई है, इसमें मैं सुझाव देना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र में व्यवस्था है, मध्य प्रदेश, इधर आंध्रा में जो व्यवस्था है, तेलंगाना में जो व्यवस्था है, वहाँ की सारी जो स्टडी करें और इसके बाद राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक मजबूत कानून बनाया जाए। जो केंद्र से या राज्य से जो बजट आ रहा है, वो बजट वास्तविक धरातल पे पहुंचे, लोगों के हित में पहुंचे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे विशेष इसका उपयोग हो, क्योंकि आज तक जो होता आया है सिर्फ कार्यालयों में उपयोग हुआ है, बड़े बड़े शहरों में उपयोग हुआ है, बड़े बड़े शहरों में जो सड़कें हैं वहां पर उपयोग हुआ है, क्योंकि संविधान के अनुरूप जो बजट है, बजट जो आता है केंद्र से या राज्य से, उसका उद्देश्य यह होता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में टीएडी का उद्देश्य यह होता है कि आदिवासी लोगों का उद्धार किया जाए, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसका ध्यान रखा और अलग से राजस्थान पैटर्न जो लागू किया है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में देखा जाए या राज्य में देखा जाए, युवा कहीं न कहीं बेरोजगारी की जो बढ़ती जा रही है, तो पिछले दो वर्षों से जो स्थिति बनी आ रही है, हर भर्ती कोर्ट में जाके अटक रही है, तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, हम भर्ती इस तरह कराए, हम एग्जाम इस तरह कराए, क्योंकि हर बार ये एग्जाम हो रहे हैं, कहीं न कहीं लीकेज हो रहा है, कहीं न कहीं पेपर आउट हो रहा है, बच्चे भटक रहे हैं, मतलब बेरोजगारी जो जिस हद तक मार रही है। अभी जो इस बजट में 50,000 नई भर्ती की जो घोषणा हुई है, मैं आशा करूंगा इस सदन की ओर से कि बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। और हमारे इलाके में, राजस्थान में कोई भी एक्सल 1 से 9 तक की जो भर्ती होती है, इसमें 2 विज्ञप्ति जारी होती है, 1 विज्ञप्ति सामान्य एरिया के लिए और दूसरी विज्ञप्ति शेड्यूल एरिया के लिए। लेकिन शेड्यूल एरिया के साथ भले उधर की सत्ता बैठी हो या इधर की सत्ता बैठी हो, हमेशा अन्याय हुआ है। आज उस इलाके में राष्ट्रपति महोदय द्वारा शेड्यूल एरिया की जो वृद्धि हुई, उस अधिसूचना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो इलाका बड़ा है, उस इलाके को इसके बाद वाली जो भर्ती आएगी, उन भर्तियों में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिक्षक भर्ती जो 2018 की जो शिक्षक भर्ती थी लेवल 2 और 1 में, वहां पर भी यही चीज हुई। और अध्यापक जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती थी, वहां पर भी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ। LDC भर्ती हुई, उस भर्ती में भी उस इलाके के बच्चों के साथ अन्याय हुआ। हम ये चाहते हैं, क्योंकि आज तक इस इलाके को गुमराह करा हुआ है। 2013 में आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी हुई, उसको 2016 में हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, AGT कुछ शब्द संशोधन करके 2016 में वापस जारी कर दी गई। उसका आज तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है कि वास्तविक आरक्षण किस तरह से मिलना चाहिए। हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि संविधान में जो प्रावधान है, 5वीं अनुसूची के अनुरूप जो आरक्षण है, वो आरक्षण शेड्यूल एरिया में लागू किया जाए, ताकि लोगों में जो भ्रम फैला है। आज अभी जो घटना हुई, काकरी डुंगरी वाली घटना, वो बेरोजगारी को लेकर हुई, वो भर्ती को लेकर हुई, नौकरी को लेकर हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि 2018 से बच्चे सड़कों पर घूम रहे थे, कई लोगों ने लाभ उनको लालच दी, ये करा देंगे वो करा देंगे, लड़कों को गुमराह किया और लास्ट में इस स्थिति की ओर
बढ़े, इसलिए आपके माध्यम से सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा, सरकार को अवगत कराना चाहेंगे कि शेड्यूल एरिया में पांचवी अनुसूची के अनुरूप जो आरक्षण व्यवस्था है वो आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। और साथ ही अभी जो चल रहा था, हमारे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि किसी का बंगला ले लिया, किसी का वहां खाली करा दिया, तो डूंगरपुर जिले में हमारे जो स्थिति बनी कि वहां पर तो जो राजनीतिक पार्टियां है उनका जो सिद्धांत है वो सिद्धांत उन लोगों ने खो दिया। मैं तो आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि पक्ष वालों को और विपक्ष वालों को, जो वहां पर जो सिद्धांत विहीन पार्टियां बना दी, दोनों पार्टियों का मिलन कर दिया, उन लोगों को निष्कासित करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि पार्टी इस देश को चला रहे, दो राष्ट्रीय पार्टियां और दोनों एकजुट होगी और यही स्थिति आज भी बनी हुई है। तो हम अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आगे की कड़ी में, हमारे इलाके में संत सुरमाल करके एक संत हुआ करते थे, उन्होंने पूरे आदिवासी समाज में जन जागरण किया, ये गोविंद गुरु के पहले से थे। तो मैं चाहूँगा कि राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है उसमें उनकी जीवनी और उनके इतिहास को सम्मिलित किया जाए। डूंगरपुर का जो नामकरण, जो डूंगरपुर जो शहर है वो राजा डूंगर बरंडा के नाम से था, लेकिन आज उनका कहीं उल्लेख नहीं है। तो मैं ये भी मांग करूँगा कि उनका जो जीवनी है, उनका जो इतिहास है, वो राजस्थान के जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित किया जाए। मान्य सभापति महोदय, पिछले सदन में एक मांग उठी थी और सदन स्टार्ट ही था उसी समय न्यूज़पेपरों में छपा था कि झाड़ोल प्लासिया से बच्चे गायब हुए, उधर घाटोल से बच्चे गिर भी रख दिए, ये घटना हुई उस समय। और पिछली बार जो सदन था उस सदन में बहुत हंगामे हुए इस बात को लेके, लेकिन आज एक साल गुजर गया, क्या सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की वहां पर, क्या वो घटना रुक गई क्या, जो गिर भी रखे जा रहे थे बच्चे, जो लोग बाहर जाने के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे बाहर जा रहे थे मजदूरी करने के लिए, मैंने पिछली बार आंकड़ा निकलवाया, उदयपुर संभाग से 37,296 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हुए, ये सरकार का रिकॉर्ड है कि उदयपुर पूरे संभाग से, ये छह जिलों में से 37,296 लोगों बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया, इसमें सबसे अधिक उदयपुर जिला है, 20,945 बच्चों ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया। वो बच्चे आज कहाँ है, किसी के पास, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। मान लो प्राइवेट स्कूल में गए होंगे 50% बच्चे गए होंगे, आज भी वो स्थिति बनी हुई है। इसका रीजन क्या है, कई रीजन है, गरीबी है इसका रीजन, इसके अलावा वहाँ जो भाषा है, जिस तरह से आज हम कह रहे हैं शिक्षा नीति में है कि मातृभाषा में स्टडी कराई जाए, लेकिन किस स्कूल में जो पहली से पांचवीं तक बच्चा पढ़ रहा है किसी स्कूल में मातृभाषा में स्टडी नहीं करवाई जा रही है, बच्चे को वहां डराया जा रहा है, बच्चा कोई भी अध्यापक हो इंग्लिश बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, तो वह बच्चा कहीं ना कहीं डर रहा है। तो आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से विशेष अनुरोध करेंगे कि उदयपुर संभाग में हमारी जो मातृभाषा जो बोली जाती है भीली भाषा, उस भीली भाषा में बच्चों को अध्ययन कराया जाए, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन स्तर बढ़ा करने के लिए TAD के मार्फत महाबड़िया चल रही है, आंगनबाड़िया चल रही है, लेकिन वो नाम मात्र का चल रहा है। वास्तविक जो एजुकेशन मिलना चाहिए, जो बच्चों को फायदा मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जो ड्रॉप आउट का जो स्थिति बनी हुई है इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल भी किया जाए। और एक बात ये चल रहा है, लंबे समय से डिमांड हो रही है, इस सामान्य एरिया के बहुत सारे अध्यापक सेकंड ग्रेड से थर्ड ग्रेड हैं, LDC हैं, जो बाबू लगे हुए हैं वो उदयपुर संभाग में लगे हुए, वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे गृह जिले में भेज दिया जाए, लेकिन सरकार ये तर्क दे रही है कि वहां पर स्टाफ खाली हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा कौन। और दूसरी तरफ जो स्कूल में व्याख्याता है, कॉलेज में जो व्याख्याता है, उन लोगों को नियुक्ति के 3 दिन बाद ही डेपुटेशन पे, कार्य व्यवस्था पे इधर लगाया जा रहा है, ये कौन सी दोहरी नीति है। जो पांचवी पढ़ाने वाले जो अध्यापक है, 8वीं तक पढ़ाने वाला जो अध्यापक है, उसको इस बात के लिए रोका जा रहा है कि आप उनको वहां पर कार्य व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और उच्च शिक्षा में वहां के जो व्याख्याता लगे हुए उनको नियुक्ति के 3-4 दिन बाद ही यहाँ पर डेपुटेशन पे लगाया जा रहा है। तो वो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उदयपुर संभाग में जो लगे हुए हैं एक्सल 1 से 9 तक के जो कर्मचारी, उनको उदयपुर जिले से बाहर किया जाए। और साथ ही अभी बात जो चल रही थी, मैं एक सिमलवाड़ा कॉलेज है, ये 2016 में सेंक्शन हुआ था और अभी तक उसका भवन नहीं बना है। इधर से आरोप लगाते कि हमारे कार्यकाल में ये हुआ वो हुआ, इधर से आरोप लगाते, दोनों की स्थिति सेम बनी हुई है।
इधर एक सेंक्शन हो रही हो, ये नहीं निकल रही, इधर से सेंक्शन हो रही है, वो नहीं निकल रहे। तो मैं उम्मीद करूंगा इस सरकार से कि जो 2016 से जो सेंक्शन हुई है उसका भवन निर्माण कराया जाए। एक सिमलवाड़ा में TAD के मार्फत एक बालिका छात्रावास संचालित हो रहा है और ये छात्रावास 2018 में विभाग ने ये कह दिया कि नकारा घोषित कर दिया है विभाग ने। आज भी उसी विभाग ने कह दिया कि इससे रहने लायक नहीं है, वो नकारा है, कभी भी गिर सकता है। फिर भी बच्ची है वो उसी ये जो छात्रावास है उसी में पढ़ रहे हैं। तो माननीय सभापति महोदय आपसे अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे और इस बजट में भी ये जो सामुदायिक दावे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो किया गया है, तो हमारे जितने जो आदिवासी समाज के अंदर जितने जो पूर्वज हुआ करते हैं, जो माताएं हैं, कुल देवियां हैं, सारी की सारी फॉरेस्ट विभाग में हैं, तो उनको सामुदायिक दावा के पट्टे के तहत उनके जाने के लिए रास्ता और वहाँ भवन के लिए व्यवस्था कराई जाए। और साथ ही लंबे समय से एक डिमांड कर रहे हैं 2013 में जो LDC लगे हुए हैं और उन लोगों को आज तक अपन ने सजीव का चार्ज दे रखा और उन लोगों से काम करवाया है और नरेगा का काम वही लोग संभालते हैं और नरेगा के नाम से हम थपथपाते हैं हम सब मिलके। तो उन LDCO लोगों को सचिव में कहीं ना कहीं प्रमोशन दिया जाए क्योंकि लंबे समय से वो उनका काम संभाल रहे हैं। एक जल शक्ति योजना, अभी बजट घोषणा में भी बहुत सारी घोषणा है हमारे घाटोल के लिए हुआ। पिछले बजट में, सर 2 मिनट में समाप्त कर लूंगा, पिछले बजट में कडणा बैक वाटर से गेजी घाटा तक पेयजल परियोजना के लिए DPR की घोषणा हुई थी, लेकिन इसमें एक टेक्निकल दिक्कत हुई कि वहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है। कडणा जो बांध बना हुआ है वो बांध जब बना हुआ गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया और समझौता हुआ है, तो इसमें हम ये चाहेंगे कि वो समझौते के अनुरूप जिस दिन वार्ता होगी होगी, लेकिन गुजरात जो बांध बना हुआ कडणा उससे हमें 700 MCFT पानी की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं हम सालाना उससे क्रय किया जाए। या माही नदी में जो पानी है वो 10 TMC रिजर्व पड़ा रहता है, उसको 1 या 2 TMC यहाँ पर छोड़ के उसकी व्यवस्था कराई जाए। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर जो अभी बनी हुई है, सर 1 मिनट लास्ट 1 मिनट में अंत, कानून व्यवस्था के लिए अभी ये बता रहे थे कि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर कोई व्यक्ति जाए वह परिवार दे उसको जल्दी सुलटारा मिल जाएगा। अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया कि मेरी विधानसभा में 13 फरवरी के दिन व्यक्ति गायब हुआ और 24 फरवरी की इसकी लाश मिल रही है, बिल्कुल कंकाल है वो, इसको कोई पहचान, इसके कपड़े से पहचान में आया। उसके परिजनों ने 12 फरवरी को मुकदमा दर्ज करवाया है गुमशुदगी का, लेकिन 14 फरवरी को लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके परिजन खुद जाके CCTV फुटेज लाके दिखा रहे प्रशासन को कि ये CCTV फुटेज में उस दिन यहाँ है, लेकिन उस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आपके माध्यम से चाहूंगा कि जिम्मेदार जो अधिकारी है उन पे कार्रवाई की जाए और वास्तविक जो मुलजिम है उनको पकड़ा जाए। धन्यवाद महोदय, बजट पर बोलने का अवसर दिया इस हेतु धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का 3रा बजट है, लेकिन विगत 19, 20 और 21 के बजट में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए सिर्फ मात्र छलावा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 19-20 के बजट में जो काम मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की पेयजल के संबंध में, सोलर पंप एक भी नहीं लगा। कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की, लेकिन अभी भी बजट स्वीकृत नहीं हुआ।